यह कहानी बुद्ध के समय की है, जब वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बुद्ध के शिष्य विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझते थे और उनके पास आकर अपने प्रश्नों का समाधान मांगते थे। एक दिन एक युवा शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या चुप रहना भी एक कला है? क्या मौन धारण करने से हमारे जीवन में कोई बदलाव आ सकता है? बुद्ध ने उस शिष्य की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, बिल्कुल, मौन एक महान कला है। कई स्थितियों में चुप रहना ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। मैं तुम्हें 10 जगहें बताऊंगा जहां चुप रहना तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। एक, क्रोध में। बुद्ध ने कहा, पहली जगह है जब तुम क्रोधित होते हो। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार छूट जाने पर वापस नहीं आते। क्रोध में चुप रहना तुम्हें और दूसरों को अनावश्यक दुख से बचा सकता है। शिष्य ने सोचा, सचमुच जब मैं क्रोधित होता हूं तो कई बार ऐसी बातें कह देता हूं जो बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। दो, विवाद में। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी जगह है जब तुम किसी विवाद में हो। विवाद में चुप रहना सबसे बुद्धिमानी भरा कार्य होता है। यह विवाद को और बढ़ने से रोकता है और शांति बनाए रखता है। शिष्य ने स्वीकार किया, कई बार विवाद में बोलकर मैंने हालात को और खराब किया है। तीन, आलोचना सुनते समय। बुद्ध ने तीसरी स्थिति बताई, जब तुम आलोचना सुन रहे हो तब चुप रहो। आलोचना को शांतिपूर्वक सुनने से तुम्हें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। शिष्य ने सोचा, आलोचना सुनते समय चुप रहना वाकई कठिन है, लेकिन इससे सीखने को भी बहुत मिलता है। चार, झूठे आरोपों के सामने। चौथी जगह है जब तुम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हों, बुद्ध ने कहा। ऐसे समय में चुप रहना तुम्हारी सच्चाई और धैर्य का परिचायक होता है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शिष्य ने महसूस किया, जब मुझ पर झूठे आरोप लगे थे, मैंने अपने को सही साबित करने के लिए बहुत कुछ कहा था, लेकिन मौन रहकर मैं अपनी सच्चाई को भी साबित कर सकता था। पांच, दूसरों की निंदा करते समय। बुद्ध ने कहा, पांचवी जगह है जब तुम दूसरों की निंदा करने का विचार करते हो। निंदा करना न केवल तुम्हारे मन को नकारात्मक बनाता है, बल्कि दूसरों के प्रति द्वेष भी बढ़ाता है। शिष्य ने सोचा, निंदा से बचना चाहिए, यह सही है, इससे मेरी अपनी सोच भी साफ होगी। छह, किसी अनजाने विषय पर। बुद्ध ने छठी जगह बताई, जब तुम किसी अनजाने विषय पर हो तब चुप रहना ही बेहतर है। अज्ञान में बोले गए शब्द तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, सचमुच कई बार बिना जाने बूझे बोलने से मैंने स्वयं को मुश्किल में डाला है। सात, धैर्य की परीक्षा में। बुद्ध ने सातवीं जगह बताई, जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो रही हो तब चुप रहना। यह तुम्हारे आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। शिष्य ने सोचा, धैर्य की परीक्षा में चुप रहना बहुत कठिन है, लेकिन यह मेरी आत्मा को मजबूत बनाएगा। आठ, दुख और शोक में। बुद्ध ने कहा, आठवीं जगह है जब तुम दुख और शोक में हो। ऐसे समय में चुप रहना तुम्हें अपनी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। शिष्य ने महसूस किया, शोक के समय में चुप रहकर मैंने अपने दुख को अधिक शांति से समझा है। नौ, ध्यान में। बुद्ध ने नौवीं जगह बताई, जब तुम ध्यान में हो तब चुप रहो। ध्यान का मूल उद्देश्य ही मौन और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। शिष्य ने कहा, ध्यान में मौन रहकर मैंने वास्तव में अपने अंदर की शांति को महसूस किया है। दस, आत्मचिंतन में। अंत में बुद्ध ने कहा, दसवीं जगह है जब तुम आत्मचिंतन कर रहे हो। आत्मचिंतन में चुप रहना तुम्हें अपने जीवन को समझने और सुधारने में मदद करता है। शिष्य ने अंत में कहा, आत्मचिंतन में चुप रहकर मैं अपनी कमजोरियों और गलतियों को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। मौन की शक्ति। बुद्ध ने अपनी बातें समाप्त करते हुए कहा, अनुराधा,
मौन की शक्ति असीम है। ये 10 जगहें केवल उदाहरण हैं, लेकिन वास्तव में हर स्थिति में मौन से तुम्हें शांति और समझ प्राप्त हो सकती है। अनुराधा ने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में मौन का अभ्यास शुरू किया। उसने देखा कि जब वह इन 10 जगहों पर चुप रहता है, तो उसका जीवन पहले से अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित हो जाता है। इस प्रकार बुद्ध ने अनुराधा और अन्य शिष्यों को मौन की महिमा और महत्व सिखाया। मौन न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है और हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं, तो इन 10 जगहों पर मौन का अभ्यास करें। यह आपके जीवन को न केवल बदल देगा, बल्कि आपको एक नई दिशा और दृष्टिकोण भी देगा। धन्यवाद।